दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तहसील निजामाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर कॉमरेड लालचंद यादव की अध्यक्षता में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसका संचालन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला महामंत्री जितेंद्र हरि पांडे ने किया। इस अवसर पर एक गोष्ठी की गई, जिसका विषय था साम्यवाद ठीक क्यों। विषय पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश पार्टी राज्य परिषद सदस्य रामाख्या यादव ने कहा कि हम आदिम समाज से पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद तक पहुंचे। आज दुनिया में पूंजीवाद का बोलबाला है। आज़ादी के बाद भारत में सार्वजनिक उपक्रमों को बढ़ावा मिला, आज उसे निजी हाथों को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी वैज्ञानिक विचारों वाली पार्टी है, जो यह मानती है कि समाज में दो ही वर्ग हैं, एक अमीर दूसरा गरीब है। इनके बीच समानता लाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी भारत में समानता के विचारों पर डटकर कार्य कर रही है। पार्टी के राज्य कंट्रोल कमीशन के सदस्य हरिगेन राम ने कहा, 1917 में दूसरी क्रांति से वहाँ साम्यवाद की स्थापना हुई। उसी से प्रभावित होकर मार्क्सवादी विचारों को लेकर 1925 में 25 व 26 दिसंबर को कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। हम मार्क्सवादी विचारों के साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों के हित की लड़ाई लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। अशोक कुमार यादव अब्दुल्ला ने भी गोष्ठी में हिस्सा लिया। इस अवसर पर विनय तिवारी, हरिकेश कौंड, प्रेमचंद पांडे, लालजी लुतुलचंद यादव, मोहम्मद रियाज आदि लोग उपस्थित थे। हाँ सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र हरि पांडे। सर, क्या कार्यक्रम है आपके यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का? हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज 99वां स्थापना दिवस है पार्टी का, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज का जो विषय हमने चुना है, उत्तर प्रदेश की पार्टी ने चुना है, आज की विषय है साम्यवाद ही क्यों। और साम्यवाद ही क्यों, इसी पर हमारे वक्ता के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद के सदस्य कामरेड रामाख्या यादव, पूर्व जिला मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश कंट्रोल कमीशन के सदस्य कामरेड हरिगेन जी और हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आजमगढ़ से जुड़े ब्लॉक मंत्री, कार्यकारिणी और जिला काउंसिल के कई लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम इस विषय पर आज चर्चा करते हुए कि हम आगामी वर्ष में पार्टी का 100वां साल जब मनाएंगे तो पार्टी को कितना मजबूत करना, किस तरह से मजबूत करना, गांव गांव जनता के बीच में मार्क्सवाद को कैसे लेके जाना है, और जो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है, इन्हीं चीज़ों के साथ हम गांव में जनता के बीच जाएंगे और मार्क्सवाद से और कम्युनिस्ट पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे।